अमरोहा से खबर है, जहां अमरोहा पुलिस ने 2 वर्षीय बच्चे की हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर थाना नौगांवा सदात पुलिस ने 2 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए नामित अभियुक्त हैदर पुत्र छोटिया उर्फ अली अख्तर निवासी मुनिया वाली कली मोहल्ला शौ फरीद कस्बा व थाना नौगांवा सदात को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद अमरोहा के थाना नौगांवा सदात क्षेत्र में 23-24 सितंबर की रात्रि वादिनी मलकानाज पुत्री करीम हैदर निवासी मोहल्ला मंगल का बाजार कस्बा व थाना नौगांवा सदात जनपद अमरोहा के पुत्र मोहम्मद अयान उम्र करीब 2 वर्ष की हत्या कर शौक हित में छुपा दिया गया था, जिसके संबंध में थाना नौगांवा सदात पर हैदर पुत्र छोटिया उर्फ अली अख्तर निवासी मोहल्ला मुनिया वाली कली शाह फरीद कस्बा व थाना नौगांवा सदात व कमला उर्फ सलीम पुत्र अनूप खान निवासी नगली सिख थाना नौगांवा सदात जनपद अमरोहा के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान नामित अभियुक्त हैदर उपरोक्त पीड़ित मलकानाज व इसके परिवार के पास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए घूमते रहना व मौका लगने पर पीड़ित परिवार के पास लेटने को लेकर आपस में विवाद होना पाया गया। इसी से नाराज होकर पीड़ित परिवार को सबक सिखाने के लिए अभियुक्त हैदर पुत्र छोटिया उर्फ अली अख्तर उपरोक्त ने 23-24 सितंबर 2022 की रात्रि में खराब मौसम होने का फायदा उठाकर बालक की निर्मम हत्या कर दी। इस संबंध में अभियुक्त हैदर उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 24 सितंबर 2022 श्रीमती मलकनाज द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके 2 वर्ष के पुत्र अयान की हत्या कर दी गई है। इसी क्रम में थाना नौगावा पर 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तमाम टीमों की सहायता से SOG सर्विलांस एवं थाना की टीम से इस घटना का खुलासा किया गया है। इस घटना में हैदर द्वारा उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई। इसमें उसके द्वारा बच्चे का मुंह दबाया गया था, उसको खेत में ले जाके मारा गया। साथ ही साथ इसमें जो इसका उद्देश्य था वो, क्योंकि हैदर इस पीड़ित परिवार पे गलत तरीके से नज़र रखता था, इसी क्रम में उसके द्वारा ये हत्या की गई है। बाकी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।